हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे रहेगी। आपको पता होगा, कल के दिन जीडीएस के महासचिव एसएस महादेवा जी ने एक वीडियो अपलोड किया, जिसके अंदर उन्होंने इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर आने वाली पोस्टमैन, एमटीएस और मेल गार्ड के पदों पर भर्तियों को लेकर जो बदलाव किए गए 2023 में, उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दी। लेकिन उनकी वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में डाउट है, आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आई, कहना क्या चाहते हैं वो समझ में नहीं आया, वैकेंसी कब आएगी, कितने पदों पे आएगी, नोटिफिकेशन कहां से मिलेगा, कैसे आवेदन करेंगे, कौन कौन आवेदन कर सकता है, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, ये कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। देखिए, जो नोटिफिकेशन आया है वो काफी लंबा है और केवल डिपार्टमेंट के स्टाफ के लिए नोटिफिकेशन दिया गया है। पहली बात, यह नोटिफिकेशन पब्लिक नहीं है कि आप लोग इंडिया पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन मैंने कुछ इंतजाम लगाकर इस नोटिफिकेशन को हासिल किया है, जो कि आगे ओपन करके आपको दिखाएंगे। एक तरह से बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए, जो भी इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्टमैन और मेल गार्ड के पदों पर भर्तियों का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार लगभग अब खत्म होने के कगार पर आ चुका हो। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, उसके बाद ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। कहां से मिलेगा इसके बारे में बताएंगे। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और जीडीएस या फिर इंडिया पोस्ट ऑफिस से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना है। देखिए, सबसे पहला डाउट इस वैकेंसी को लेकर है कि अगर एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए हम आवेदन करते हैं तो क्या हमारा सिलेक्शन मेरिट के आधार पर ही किया जाएगा या फिर इसका एग्जाम होगा। तो सबसे पहला डाउट मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर आप लोग इन पदों के लिए आवेदन करते हैं तो आपको यहां पर एग्जाम देना होगा। जी हाँ, ये डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, डिपार्टमेंट की तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है। आपको बिना एग्जाम के जो है तो यहाँ पे वैकेंसियों के अंदर जो है तो एंट्री करने का बिल्कुल मौका नहीं दिया जाएगा। इसका प्रूफ आपको दिखा देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं इंडिया पोस्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। ये केवल और केवल उन लोगों के लिए है जो कि डिपार्टमेंट के साथ कनेक्टेड हैं। और यहाँ पे साफ साफ जानकारी दी गई है, प्रिपरेशन प्लान फॉर दी पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड, एमटीएस और पोस्टमैन एग्जाम 2024। यानी कि इन्होंने तैयारी करने की पूरी स्ट्रेटजी शेयर करी है, जो कि पीए, एसए, मेल गार्ड, एमटीएस और पोस्टमैन एग्जाम जो आपका होना है 2024 में, उसके बारे में है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट जानकारी दी है कैसे क्या आप स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, जिससे आपका आसानी से जो है तो इन पदों पे सिलेक्शन हो सकता है। इसके लिए आपको जो है तो इसको रीड करना होगा, कितने सेट लगाने हैं, कितने दिनों की तैयारी आपकी रहेगी, ये कंप्लीट चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। ये बताने का केवल एक ही मतलब यहाँ पर हो रहा है कि आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेबस क्या रहेगा इसके बारे में आपको बताएँगे। बाकी आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि इन्होंने जीडीएस से लेकर एमटीएस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर भी शेयर किए हुए हैं। क्वेश्चन पेपर भी आपको यहां पे मिल जाएंगे, जो कि पुराने क्वेश्चन पेपर होते हैं, जैसे आपको जीडीएस से एमटीएस में जाना है। देखिए, ये भर्ती फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए भी आएंगी, यानी कि जिन्होंने जीडीएस को ज्वाइन नहीं किया है वो भी आवेदन कर पाएंगे, उनकी संख्या अलग रहेंगी। और जिनको डिपार्टमेंट की तरफ से प्रमोशन दिया जाने वाला है उनकी जो वैकेंसी है वो अलग रहेंगी। जीडीएस से आप पीएएसए में यानी कि पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए भी सकते हैं। इसके नीचे आएंगे तो आपको यहां पे और भी जानकारी दी गई है, जैसे कि यहां पे देख सकते हैं जीडीएस से आप पोस्टमैन और मेल गार्ड और एमटीएस के लिए जा सकते हैं। एग्जाम है यहां पे, नोटिफिकेशन एक बार आया था लेकिन किसी वजह से 2022 के अंदर इन वैकेंसी को कंटिन्यू जारी नहीं किया गया, जिस वजह से ये 2023 में नियम को बदलाव करके नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। अब हम आते हैं अपने मेन नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, आप यहां पे देख सकते हैं कि ये मॉडल नोटिफिकेशन है और यहां पे आपको बताया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। देखिए, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा लेकिन केवल वो जो आपके काम की होंगी, बाकी बिना मतलब की चीज़ों के लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। वीडियो की लेंथ 20 मिनट की हो जाएगी और मुझे इसको 10 से 12 मिनट में ख़त्म करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू दी कैडर ऑफ पोस्टमैन, मेल गार्ड, एमटीएस फ्रॉम एलिजिबल जीडीएस फॉर दी वैकेंसी, और यहाँ पे अर्न मार्क्ड फॉर जीडीएस एंड अनफिल्ड वैकेंसी, और एलडीसीई फॉर पोस्टमैन मेल गार्ड फॉर द वैकेंसी ईयर 2023। और ये कब तक यहाँ पे मान्य है, 1/1/2023 से 31/12/2023, यानी कि 31 दिसंबर तक के लिए ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है।
अभी यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में देखिए, पोस्टमैन और मेल गार्ड की नंबर ऑफ वैकेंसी आपको नीचे बताएंगे। यहाँ पे आपको पोस्टमैन और मेल गार्ड दोनों वैकेंसी मिलेंगी। जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और हॉरिजॉन्टल के अंदर जो कुछ यहाँ पे रिजर्व वैकेंसी हैं, सेम ऐसे ही आपको एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी मिलेंगी। एमटीएस हो गया, एमटीएस यहाँ पे सबऑर्डिनेट ऑफिसर और सीओआरओ। इसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी को जरूर देखें क्योंकि यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन दिया है। पहली जो पोस्ट है यहाँ पे पोस्टमैन और मेल गार्ड की है, इसको देख सकते हैं। यहां पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बोला गया है कि 10th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, पहला तो आपने कक्षा 10वीं पास करी हो। दूसरा यह है कि यहां पे नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज का, यानी कि लोकल लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए। और तीसरा यह है कि नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, जो कि कल एसएस महादेवा जी ने बताया, आपको कंप्यूटर में काम करने की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो एज है वो काफी अच्छी है, 50 ईयर कम से कम, मतलब मैक्स टू मैक्स 50 ईयर तक की। और सर्विस की एलिजिबिलिटी भी यहाँ पे आपको 5 ईयर की दी गई है। इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नियम है कब का है, देख सकते हैं 1/1/2023। एक और पोस्ट है यहाँ पे एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की, इसके लिए भी एजुकेशन यहाँ पे देख लेते हैं। पैटर्न वगैरह के बारे में बात किया गया है, इसके लिए भी एजुकेशन जो है 10th पास ही रखा गया है। और एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में तो आपको यहाँ पे हम जानकारी दे ही देंगे। यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन मिल जाएगा, यानी कि कहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना होगा, तो हेडक्वार्टर्स के अंदर ही यहाँ पे केवल एग्ज़ाम होंगे, ध्यान रखिएगा, सर्कल और रीजन के अंदर, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ से जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा। देखिए इन फॉर्म को आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है ना, अभी नहीं, अभी तो डेट नहीं आई है, ये मॉडल नोटिफिकेशन है। मॉडल नोटिफिकेशन का मतलब होता है कि ओरिजिनल से एकदम मिलता जुलता नोटिफिकेशन। देखिए एप्लीकेशन फॉरम फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू दी कैडर ऑफ पोस्टमैन मेल गार्ड एमटीएस फॉरम एलिजिबिलिटी, सॉरी यहाँ पे है फ्रॉम एलिजिबल जीडीएस फॉर दी वैकेंसीज, यहाँ पे अनफिल्ड वैकेंसी वही हेडिंग है जो कि हमने स्टार्टिंग में रीड करी थी। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ अटैच करनी होगी। आगे हम नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, वो कंप्लीट जानकारी दी गई है। पहले इस फॉर्म को देखें, यहाँ पे आपको अपनी डिटेल फिल करनी है, जैसे कि नेम ऑफ द कैंडिडेट, जेंडर आपको डालना है, यहाँ पे अपना जो है तो पोस्ट सेलेक्ट करना है, बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना। इसके अंदर आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट रहेगा, कैटेगरी आपको फिल करनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और यहाँ पे ऑफिस, इसके अलावा डेट फ्रॉम विच कंटिन्यू इन जीडीएस एंगेजमेंट, और इसके अलावा जो भी जानकारी यहाँ पे दी गई है आपको देना है। अभी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ के बारे में, क्योंकि वैकेंसी अगर क्लियर नहीं है कितनी वैकेंसी है तो कैसे यहाँ पे अप्लाई होगा, चलिए उसके बारे में बताते हैं। ध्यान रखिएगा ये केवल मॉडल नोटिफिकेशन है, कंप्लीट नोटिफिकेशन आना बाकी है। 2018 में जो नियम बने थे पोस्टमैन मेल गार्ड और यहाँ पे ग्रुप सी की पोस्ट के लिए जो कि आपकी एमटीएस होती है, उन नियम में 2023 में बदलाव किए गए हैं, ठीक है ना, और उन नियम में बदलाव किए गए हैं। और कल यही चीज़ उन्होंने जीडीएस के महासचिव ने भी जानकारी दी। आइए हम बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। पहले यहाँ पे देख सकते हैं जो आपकी पोस्टमैन की वैकेंसी है, इसको देखिए यहाँ पे मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास किया गया था, लेकिन शायद अब उसको 10th पास कर दिया गया है, ठीक है। पोस्टमैन की वैकेंसी 45,899 पोस्टें खाली हैं, ठीक है, 45,899 पोस्टें खाली है, जहाँ पे वेतन आपको 21,700 से 69,100 रुपये का दिया जाएगा। 18 से 27 साल की नॉर्मल उम्र है, छूट भी आपको मिलती है, 12वीं पास कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ये जानकारी है। और जो जीडीएस की पोस्ट पे सिलेक्टेड हैं वो अभी भी 10th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। दो चीज़ें होती हैं, जो फ्रेशर कैंडिडेट होंगे उनके लिए 12वीं पास हैं, और जो पहले से ही जो जीडीएस की पोस्ट पर काम कर रहे हैं ऐसे अभ्यर्थी, उनके लिए 10वीं पास हैं। कंप्यूटर का नॉलेज सभी को जरूरी है और दो पहिया या मोटर वाहन चलाने का वैध लाइसेंस भी यहां पे होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको और भी कई सारी चीज़ें बताई गई हैं। ऐसे ही नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक मेल गार्ड की पोस्ट भी मिल जाती है, देख सकते हैं। मेल गार्ड के लिए 1870 वैकेंसी थी, 2018 में काउंट करी गई थी, और 21,700 से 69,100 रुपये का वेतन था, 18 से 27 साल की एज, 12वीं पास नॉर्मली आवेदन करेंगे, और जो जीडीएस की पोस्ट पर हैं वो 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी यहाँ पे दोपहिया वाहन चलाने का लाइसेंस वगैरह नहीं बोला गया, ठीक है। ये कंप्लीट 52 पेजों का नोटिफिकेशन पीडीएफ है, मैं आपको केवल शॉर्ट में जानकारी दे रहा हूँ। वही चीज़ें यहाँ पे इंग्लिश में भी बताई गई हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पोस्टमैन के लिए कितनी वैकेंसी, और यही चीज़ें एक बार फिर से 2022 में घूम फिर के हमारे सामने आई थी, ठीक है। अब हम सीधे एमटीएस के बारे में बात करते हैं, एमटीएस के बारे में कितनी पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी, और एमटीएस के लिए केवल और केवल 10th पास यहाँ पे जो है तो रखा जाता है, आपको इसके बारे में जानकारी होगी। काफ़ी बड़ा पीडीएफ है और इसके हिसाब से देखिए आपकी वैकेंसी जो है तो नेक्स्ट
मंथ तक ये आउट हो सकती है। मैं आपको डेट वगैरह क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि अब इसको लेकर जो भर्ती प्रक्रिया वो तेज हो चुकी है। ये जैसे ही आपकी फोर्थ लिस्ट आई, फर्स्ट लिस्ट आई पहले तो शेड्यूल सेकंड की, उसके बाद आपकी फोर्थ लिस्ट आएगी, उसके बाद यहाँ पे आपका ये वैकेंसी भी आ जाएगी। इसके लिए आपको तैयारी रखना है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट भी आवेदन कर पाएंगे। ये MTS के लिए अब हम देखने वाले हैं। MTS के लिए अलग से यहाँ पे बताया गया है। MTS का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि बहुकार्य कर्मचारी द्विविध, कुछ हिंदी में लिखा हुआ है। इसकी वैकेंसी यहाँ पे कम काउंट करी गई थी, जो कि अब बढ़ के लगभग 37,000 से ऊपर हो चुकी है। 18 से 25 साल की उम्र है। मान्यता प्राप्त किसी भी स्कूल विद्यालय से आपने 10वीं पास करी हो तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं, बताया भी गया 37,240 पदों पर वैकेंसी है। कंप्लीट जानकारी यहाँ पे आपको इसके बारे में दी गई है। हालांकि देखिए, मॉडल नोटिफिकेशन है, इससे केवल आपको ये सीखने को मिलेगा कौन से नियम में क्या बदलाव किया गया है, क्या एजुकेशन रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा। इसमें दो तीन चीज़ें अभी बताई नहीं गई हैं। पहली तो डेट्स के बारे में कंफर्म नहीं किया गया, ये वैकेंसी कब आएगी, कब ओपन होगी, कब से लेकर कब तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे, इसका जो कंप्लीट नोटिफिकेशन वो कब तक में आएगा, ये भी अभी तक नहीं बताया गया। और साथ में ये भी नहीं बताया गया है कि इसमें जो आपका एग्ज़ाम होगा, वो जो फ्रेशर कैंडिडेट का एग्ज़ाम होगा, उसके लिए सेंटर कहाँ रखे जाएंगे, क्योंकि जो GDS के कर्मचारी हैं उनके लिए तो पहले ही बता दिया गया कि हेडक्वार्टर्स के अंदर जो है तो इनका फिक्स रहता है कि वहीं पे इनको एग्ज़ाम वगैरह देना होगा। ठीक है, ये चीज़ें ये क्लियर करके रखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी हैं जो कि बाकी हैं, और यहाँ पे आपको सभी के सभी जो नए वाले हैं वो मिल जाएंगे, आप इनको रीड कर सकते हैं। 18, 19, 20, 21, 22 सभी का यहाँ पे चीज़ें दिया गया है। और जिनको सिलेबस चाहिए, पैटर्न चाहिए MTS पोस्टमैन और मेल गार्ड का, वो चीज़ें भी यहाँ पे हैं। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ करके, इसको भी आप देख सकते हैं क्या चीज़ें कितने नंबर का आता है, कितना आपको समय मिलता है, इससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये चीज़ें मैंने आप सभी को इसलिए बता दी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। कल से काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, तो मतलब यही है कि वैकेंसी तो आने वाली है, और मैंने आप सभी को काफ़ी कुछ चीज़ें दिखा भी दी हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको कमेंट करना है, कमेंट करके बताना है कौन सी बातें आपको जो है तो समझ में नहीं आई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।